दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंडेंसर का नीचे वाला हेडर है उसका जो वाल्व है ये बहुत ज़ोर से लीक कर रहा है और ये पूरी तरह ये वाल्व ख़राब हो चुका है, जंग लगकर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यानी इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये स्लिप कर देगा इसको टाइट करके है। अब ये दोबारा टाइट नहीं होगा और ये लीक करते जा रहा है। अब दोस्तों इसे हम ठीक करेंगे, ठीक है दोस्तों, देखेंगे कि इसे कैसे ठीक कर सकते हैं और इसको वैक्यूम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वैक्यूम कैसे करना है इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, कंडेंसर को कैसे वैक्यूम कर सकते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, उसे देखकर आप वैक्यूम कर सकते हैं। तो नीचे जो है कंडेंसर वैक्यूम हो रहा है, कंप्रेसर चल रहा है और वैक्यूम हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले चेंबर को खाली कर लेंगे, जो चेंबर का कॉइल होता है, इवेपोरेटर होता है, उसको हम खाली कर लेंगे और सारा गैस कंडेंसर में भेज देंगे और कंडेंसर से होते हुए ये इस पाइप से होते हुए रिसीवर में जाकर चला जाएगा और जो इवेपोरेटर है चेंबर का वो खाली हो जाएगा, तब इसे वैक्यूम करेंगे। तो अब ये कंप्रेसर चल रहा है ताकि सारा जो लिक्विड है चेंबर से खींचकर और कंडेंसर में और कंडेंसर से रिसीवर में चला जाए। तो कंप्रेसर चलने के बाद हम वैक्यूम करेंगे और वैक्यूम करके इसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं बहुत तेज़ी से लीक कर रहा है, अब थोड़ा दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 30 प्रेशर है, 30 PSI। तो इसको वैक्यूम करेंगे ताकि चेंबर जो है क्वाइट वैक्यूम हो जाए अच्छी तरह, उसके बाद कंडेंसर को वैक्यूम करेंगे। देख सकते हैं कि 30 है, धीरे धीरे वैक्यूम हो रहा है। तो कंप्रेसर चल रहा है और जो चेंबर में क्वाइल है, इवेपोरेटर है, वो वैक्यूम हो रहा है। तो यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि जो लिक्विड का लेवल जो है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है, पहले यहाँ पर था और बढ़ गया है क्योंकि वैक्यूम हुआ है। तो कंडेंसर होते हुए इसमें जमा हो रहा है और जो इवेपोरेटर है वो खाली हो रहा है। तो उसको खाली करेंगे ताकि कंडेंसर जब हम वैक्यूम करें तो क्वाइलों में भेज सकें, इसलिए उसको खाली करना ज़रूरी है। तो आपको दिखा देता हूँ कि आपको दिख रहा होगा वो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 35 आ चुका है, 20 आ जाएगा, ठीक है, फिर कंडेंसर को हम वैक्यूम करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों कि कितना निकल रहा है, तो आपको ऊपर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कि पूरा धुआं धुआं हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने इस जग में लिक्विड निकाला है, अमोनिया, आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें अमोनिया लिक्विड है, ये दोस्तों जो गैस निकल रहा था उसी में से मैंने लगा कर निकाला है। ये मैं इस घास पर गिरा रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, तो कंडेंसर को वैक्यूम करने के लिए पूरे कंडेंसर को नहीं वैक्यूम करेंगे, केवल नीचे का जो हेडर है उस हेडर को हम वैक्यूम करेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसका जो ग्लैंड है, ग्लैंड को भरेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्लैंड का पैकिंग उसका ख़राब हो चुका है और वो जाम हो चुका है और जंग लग गया है उसमें, जिस कारण से वो टाइट भी नहीं हो रहा, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो नीचे वाला जो हेडर है उसको हम वैक्यूम करेंगे। उसके लिए दोस्तों ऊपर का जितने भी वाल्व है सभी वाल्व बंद कर लेंगे, एक छोड़ लेंगे ताकि नीचे वाला जो हेडर है खाली हो सके, और नीचे का भी सभी बंद कर लेंगे एक को छोड़कर, जो ऊपर वाला छोड़ेंगे वही नीचे वाला भी छोड़ेंगे उस वाल्व को। तो चलिए दोस्तों सभी बंद कर लेते हैं फटाफट। तो देख सकते हैं दोस्तों कि एक बार वैक्यूम हुआ है और यहाँ हेडर के ऊपर बर्फ आ गया है और ऊपर भी देख सकते हैं कि सभी में आ गया है। तो एक बार वैक्यूम हुआ है, कम से कम 3-4 बार वैक्यूम कर लेंगे ताकि इसमें का जो लिक्विड है निकल जाए, ठीक है। उसके बाद से इसका जो ग्लैंड है
इसका पैकिंग जो है ये भरेंगे, तो यहाँ लीक कर रहा था तो एक बार वैक्यूम हुआ है, अब दो तीन बार और वैक्यूम कर लेते हैं फिर इसे हम ठीक करेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने तीन चार बार इसको वैक्यूम कर दिया है और ये पूरी तरह खाली हो चुका है। अब इसका चक्का निकाल लेंगे वाल्व का, ठीक है, और इसके बाद ग्लैंड को भरेंगे। अब दोस्तों ग्लैंड को खोलेंगे, ग्लैंड को खोल लेते हैं। दोस्तों इसका ग्लैंड जो है ये मैंने खोल लिया है और देख सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो बूश है ये बिल्कुल ही नीचे बैठ चुका है और ये जाम हो चुका है, तो उसे भी निकालते हैं। मैंने इसका गैस खाली कर लिया है, ठीक है, तो आप इस तरह कीजिएगा तो पूरी तरह वैक्यूम करके ही इसे निकालना है, नहीं तो ये बाहर फेंक देगा और फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि इसे मैं निकाल लिया, वैसे जंग लगने का ये जाम हो रहा है, इसे निकाल लेते हैं, ये भी न चला जाए पानी के अंदर। देख सकते हैं कि बूश, ठीक है दोस्तों, अब इसका ग्लैंड भरेंगे। पहले अंदर का जो पुराना है उसको बाहर निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों सफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ये है पैकिंग और इसमें थोड़ा मैं कंप्रेसर ऑयल डाल लेता हूँ, कोई भी ऑयल चलेगा, ठीक है। अब इसको लगा रहा हूँ मैं, अब इसका बूश लगा लेंगे। अब इसे टाइट करते हैं दोस्तों। तो ये अच्छी तरह टाइट हो गया है, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, गैस देने के बाद अगर थोड़ा बहुत लीक करेगा तो टाइट करेंगे। तो ये इसका ग्लैंड भर गया है दोस्तों, तो इस तरह दोस्तों आप ग्लैंड भर सकते हैं। अब इसमें गैस छोड़ेंगे, तो चलिए गैस छोड़ लेते हैं इसमें दोस्तों। अब इसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए कंडेंसर में से गैस छोड़ेंगे, यहाँ देख सकते हैं, ऊपर वाला भाल्व को खोलेंगे, नीचे वाला भाल्व को नहीं खोलेंगे, ठीक है, ऊपर वाला से खोलेंगे कि केवल प्रेशर आए, गैस आए। तो सबसे पहले ऊपर एक जो भाग है ये खोल लेते हैं, ये पूरा पूरा खोल देंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं पूरा खुल गया है और नीचे देखिए कि ये लीक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सभी में सभी खोल लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं लीक नहीं कर रहा है दोस्तों। अब क्या करेंगे, सभी को खोल लेंगे, ठीक है दोस्तों, खोल कर और प्लांट को चलाएंगे। तो दोस्तों इस तरह बड़ी आसानी से आप नीचे वाला हेडर का, वैसे ऊपर वाला भरना आसान है,
नीचे वाला भरना मुश्किल है, तो मैंने जिस तरह बताया उस तरह करके आप बड़ी आसानी से, ठीक है दोस्तों, और ग्लैंड को भर सकते हैं अगर बाय चांस लीक करे तो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।